रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को करारा जवाब, कहा कि ना झुकेंगे ना पीछे हटेंगे। पालघर साधु हत्याकांड के कितने आरोपियों को मिली जमानत, लालू यादव की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। राष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी इस वक्त की, न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, इसलिए किसी दबाव के आगे ना तो झुकेगा और ना ही एक इंच पीछे हटेगा। LSC विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। महाराष्ट्र के पालघर साधु हत्याकांड में गिरफ्तार 53 आरोपियों को जमानत मिल गई है। जिला कोर्ट ने 15,000 के निजी मुचलके पर 53 आरोपियों को जमानत दे दी। चोर होने के शक में भीड़ ने दो साधु और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में 201 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिनमें 57 लोगों को अब तक जमानत मिल चुकी है। मुंबई पुलिस और नारकोटिक सेल ने ड्रग्स पैडलर्स को पकड़ने के लिए कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान NCB ने 1,75,00,000 की ड्रग्स के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक अफ्रीकी ड्रग तस्कर शामिल है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत अर्जी पर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लालू को चारा घोटाले के 4 में से 3 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में अगर आज जमानत मिलती है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। ED ने यस बैंक लोन फ्रॉड मामले में क्रॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर पीटर केरकर को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। क्रॉक्स एंड किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज पर यस बैंक का 3,642 करोड़ रुपए बकाया है। लोन धोखाधड़ी मामले में अजय अजीत पीटर की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान निवार की वजह से भारी नुकसान हुआ है। तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। 2.5 लाख लोगों को एहतियातन राहत शिविरों में रखा गया है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली बहाली के लिए तेजी से काम चल रहा है। 80% इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने भी सभी देशों से मिलकर आतंकवाद की गढ़ पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। यूपी के संभल से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां सड़क हादसे में मृतक नाबालिग लड़की के शव को अस्पताल में कुत्ता नोचता नजर आ रहा है। लापरवाही बरतने पर अस्पताल के सफाई कर्मी और वार्ड बॉय को सस्पेंड किया गया है। पीड़िता के पिता ने कहा कि 1.5 घंटे तक शव रखा रहा, लेकिन कोई देखने तक नहीं आया। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मामले में CBI ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता ताज मोहिउद्दीन के खिलाफ केस दर्ज किया है। रोशनी एक्ट के तहत मोहिउद्दीन पर करोड़ों की जमीन कब्जाने का आरोप है। रोशनी जमीन घोटाला मामले में पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का भी नाम है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।